29 तारीख को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, बीजेपी कह रही है कि इस बार ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनने जा रहे हैं। पता नहीं आपको बात हुई है क्या? राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में क्या होता है ये आपसे बात हुई है? आपसे डिस्कस कर लेंगे। उनका मनोबल हाई है, इसीलिए ना लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, पूरा लोकतंत्र का धज्जी उड़ा दिए। 29 दिसंबर को होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बदले जाने के सवाल पर मीडिया पर ही भड़क गए ललन सिंह। बोले, आपकी किसी से बात हुई है? बता दें कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने शनिवार को मीडिया से कई मुद्दों पर बातचीत की। वहीं 29 दिसंबर को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष बदले जाने के सवाल पर ललन सिंह भड़क गए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कौन से फैसले लेने हैं वह आपसे डिस्कस कर लेंगे, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में क्या करना है वह आपसे पहले बातचीत कर लेंगे। मीडिया से उन्होंने कहा कि लगता है आपकी किसी से बात हुई है, आप ही परामर्श दीजिए कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में क्या किया जाएगा। वही सुशील कुमार मोदी के बयान पर ललन सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार की बात सुशील कुमार मोदी जान रहे हैं, शायद उनसे बात हुई होगी, जो भी कुछ कह रहे हैं वह ज्योतिषी नहीं है, इंडिया गठबंधन में सब ऑल इज वेल है। आगे उन्होंने कहा कि 3 सप्ताह में सभी सीटों का बंटवारा होगा। वहीं जेडीयू में टूट वाले गिरिराज सिंह के बयान पर उन्होंने कहा कि गिरिराज सिंह का अपना टीआरपी है, गिरिराज सिंह अपने टीआरपी पर चलते हैं, कुछ बोलना है इसलिए बोलते रहते हैं। ललन सिंह ने कहा कि 2.5 किलो मटन खुद खाते हैं। वहीं इंडिया गठबंधन की दिल्ली में हुई बैठक में खड़गे के नाम प्रस्तावित हुए जाने के सवाल पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मीडिया के सवाल पर कहा कि शायद आपको बताया गया होगा, ममता बनर्जी ने स्पेशली आपसे बात की है तो कोई और बात होगी, बीजेपी का मनोबल हाई है इसलिए लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं। संसद में विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि दो लोग जो संसद में घुसे वह आखिर कैसे घुसे, इसका गृह मंत्री अमित शाह जवाब दे। गृह मंत्री अमित शाह को लोकसभा में आकर बयान देने में शर्मिंदगी हो रही है। विपक्ष जब मांग कर रहा है तो 150 सांसदों को निलंबित कर रहे हैं, लोकतंत्र की उनकी यही परिभाषा है। मोदी जो प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि आपको कार्रवाई हो सकती है, सुशील मोदी को नीतीश जी से बात हुआ होगा तभी प्रिडिक्ट कर रहे हैं। नीतीश जी से सुशील मोदी का बहुत नजदीकी रिश्ता रहा होगा, नीतीश जी का बात भी सुशील मोदी जान रहे हैं। सर, इंडिया की बैठक के बाद कहा जा रहा है कि सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है आप लोग में। ऑल इज वेल जो कह रहे हैं वो ज्योतिष नहीं है, इंडिया गठबंधन में ऑल इज वेल और निर्णय हुआ है कि 3 सप्ताह में सभी राज्यों में सीटों का बंटवारा हो जाएगा, उनके बिलाई के भाग से छिक्का नहीं टूटने वाला। गिरिराज सिंह तो बोल रहे हैं कि पार्टी का पार्ट जेडीयू में विलय हो जाएगा। अरे गिरिराज सिंह को छोड़िए ना, गिरिराज सिंह का अपना टीआरपी रहता है, गिरिराज सिंह अपने टीआरपी पर चलते रहते हैं, कुछ बोलना है इसलिए बोलते रहते हैं। गिरिराज सिंह कहते हैं कि झटका और क्या हलाल, अपने 2.5 किलो मीट खाते थे तो 2.5 किलो मीट जो खाते थे वो कहाँ से लाते थे, झटका वाला कि हाँ बाजारे से मंगवाते थे। तो गिरिराज सिंह का टीआरपी है, कुछ बोलते रहते हैं, उनकी बात को बहुत गंभीरता से नहीं लेना। मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सर ममता बनर्जी ने आगे किया था, क्या इसको कुछ पता नहीं? ये आपको मालूम होगा कि किसने आगे किया था, आपसे बात हुई होगी ममता बनर्जी को, हम लोग तो नहीं जानते क्योंकि जो फैसला अगर होता तो आपको बताया जाता, तो ऐसा कुछ फैसला तो हुआ नहीं। तो अब ममता बनर्जी अगर स्पेशली आपसे बात की होंगी तो वो आपको बताएंगे। बीजेपी की कल दिल्ली में बैठक हुई, मोदी जी बोल रहे हैं 50% का चुनाव नतीजे, उनका मनोबल हाई है इसीलिए ना लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, पूरा लोकतंत्र का धज्जी उड़ा दिए। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र का मतलब होता है पक्ष और विपक्ष। विपक्ष मांग कर रहा है कि भाई संसद में जो दो व्यक्ति अनधिकृत रूप से घुसे उसके बारे में देश के माननीय गृह मंत्री जी सदन में आके जवाब दें। देश के गृह मंत्री उसी सदन के सदस्य भी हैं। लोकतंत्र में सरकार सदन के और के प्रति उत्तरदायी होता है, उनको लोकसभा में आके बयान देने में थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई होगी कि भाई हम इतना बड़ा आदमी है लोकसभा में जाके कैसे बयान दें, इसलिए अहमदाबाद से बयान दे रहे थे। लेकिन लोकसभा में आना उनको गवारा नहीं है, और विपक्ष जब मांग करेगा तो विपक्ष के 150 सांसदों को बाहर निकाल दीजिए, यही लोकतंत्र है, यही लोकतंत्र की उनकी परिभाषा है।
तो अब उनके लोकतंत्र की परिभाषा है तो क्या करेगा, ये सब मन जो बढ़ा है उसी का ना कारण है। लेकिन इस देश की जनता लोकतंत्र प्रेमी, इस देश की जनता लोकतंत्र में विश्वास करती है, तानाशाही में विश्वास नहीं करती है, और ये लोग तानाशाही रवैया अपना रहे। पीएम पीएम तो कुछ भी बोलना है, जब अपने ही बोलना है, अपने ही पीठ थपथपाना है, अपने ही ताली बजवाना है, तब उसका क्या जवाब है, उसका तो कोई जवाब है नहीं। सर 29 तारीख को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, बीजेपी कह रही है कि इस बार ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनने जा रहे। पता नहीं आपको बात हुई है क्या, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में क्या होता है, आपसे बात हुई है, आपसे डिस्कस कर लेंगे क्या करना है, आप बताइए क्या करना है, आप परामर्श दीजिए कि क्या करना है, आप इसे डिस्कस कर लेते हैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी में क्या होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।